मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एसएनसीयू में बीते दिनों चार नवजात की मौत के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के निर्देश पर जांच टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए दो डॉक्टरों को निलंबित कर अस्पताल अधीक्षक को पदमुक्त किया गया था। वहीं अब अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखने रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन व जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंहदेव एसएनसीयू और एमसीएच पहुंचे। उन्होंने अस्पताल का जायजा लिया। एसएनसीयू में पहुंचने वाले डॉक्टरों की जानकारी लेने के साथ साथ मौजूद मरीजों से भी चर्चा की, जहां अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। एसएनसीयू और एमसीएच के निरीक्षण के दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने ओपीडी सहित अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टरों से जानकारी लेते हुए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई है। आने वाले समय में इस प्रकार की निरीक्षण लगातार किए जाने से शायद व्यवस्था में परिवर्तन आए। आज अभी जाते जाते यहाँ पे एसएनसीयू और एमसीएच बिल्डिंग में रुक के कैसी स्थिति है, परिस्थिति है, डॉक्टर्स पहुँचे थे कि नहीं ओपीडी में और ड्यूटी में, उसी को देखने के लिए हम लोग अभी सबसे मिले। ओपीडी भी अभी चालू था, वहाँ पे पेशेंट से बात किए तो बताया कि टाइम पे डॉक्टर्स आज तो आए हुए थे, और एसएनसीयू में भी बच्चे एडमिट थे, कुछ गंभीर स्थिति में थे, डॉक्टर्स तीनों ऑन ड्यूटी थे, और इलाज परिजनों से बात करने से पता चला कि एसएनसीयू में तो इलाज ठीक से चल रहा था। डिलीवरी रूम में एक आध बात आई थी कि डिलीवरी के बाद जल्दी शिफ्ट कर रहे थे, उसके लिए भी डॉक्टर से बात किए तो बताया कि पेशेंट लोड ज़्यादा था तो इसलिए एक वार्ड से दूसरे वार्ड शिफ्ट करना पड़ रहा था। और ऐसे ही हम लोग का कोशिश रहेगा कि आके बीच बीच में देखते रहें, और जो पेशेंट से बात करके लगा कि सुविधा यहाँ ठीक मिल रहा था। लोड का डेफिनेटली एक इशू है, बिस्तर जितने एलोकेटेड हैं संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल होने के कारण लोड ज़्यादा है उससे, तो स्टाफ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके मैनेज कर रहे हैं, पर और जो व्यवस्था सुधर सकती है उसके लिए प्रयास करते रहें।